Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. हेलेना, तुमने मेरे सर में दर्द कर दिया है। हम तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकते, हमें एग्जाम की तैयारी करनी है। और अगर थोड़ा तुम भी पढ़ लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, विजिटिंग कॉलेज में एडमिशन चाहती हो तो। बिल्कुल, इनविजिबिलिटी स्पेल तो आ चुका होगा ना तुम्हें? उसमें अब ऐसा भी कुछ नहीं है। वो कुछ ऐसा था, हाँ मैं जानती हूँ, विसीरम आतू। गायब नहीं हुआ, एक दफा और ट्राई करो। हे आखिर तुम लोग क्या करना चाह रहे हो? दोबारा से वो स्पेल कहो और मुझे वापस लेके आओ। कैक्टस, कहाँ हो तुम? आओ। ये रहा मैं। हाँ ठीक है, शोर नहीं मचाओ। क्या था वो? विवादे रिवर्सस, विजुअलस कमबैकस। ओफो, मुझे लग रहा है ये आज यहाँ पर सब कुछ खत्म कर देगी। कम ऑन, आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कुछ भी खुद ब खुद काम नहीं करता है लेना, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ओह, पढ़ाई 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 बहुत मुश्किल काम है और बहुत बोरिंग भी। ठीक है लेना, परेशान मत हो। मुझे पता है तुम्हें किससे बात करनी चाहिए। ये तो लाइब्रेरी है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं किताबें पढ़ूं? ये तो फ्रेडी है, ये तो जैकी है। ओह, तुम लोग, तुम तो वाकई एक रियल मैजिशियन निकले। तुम मैजिक में इतने एक्सपर्ट कैसे हो गए? क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो? प्लीज मुझे भी सिखा दो, मुझे सिखा दो प्लीज। हाँ प्लीज, बताओ कि तुम इतने एक्सपर्ट कैसे हो गए मैजिक में? ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो खैर, बात दरअसल ये है कि मैं एक शानदार मैजिशियंस की फैमिली में पैदा हुआ था। हमारे रिश्तेदारों में हर किस्म के लोग थे, मैजिशियंस, चार्मर्स, मैजिक के प्रोफेसर्स, विचेस, विजर्ड्स। इसीलिए मुझसे भी ऐसी ही कामयाबी की उम्मीदें थी। लेकिन बात यह है कि मुझे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं विजर्ड्स के कॉलेज में क्लास बंक करता था। मैं क्या करता, मेरे बस में नहीं था। पढ़ना मुझे बहुत ही बोरिंग काम लगता था। और फिर गर्मियाँ आ गईं, वो दिन बहुत ही खुशगवार थे और मैं लापरवाही की जिंदगी जी रहा था। लेकिन फिर बस वस ने मुझे एक अच्छा सरप्राइज दिया। मुझे कैटलॉग्स को आर्चीव में कंपाइल करना और इस तरह के दूसरे काम भी करने थे। मैं लाइब्रेरी में बैठकर अभी भी मजे से गेम खेल रहा था। मुझे इस बात की परवाह ही नहीं थी कि मुझे क्या करना है। और फिर उन्हीं बोरिंग दिनों के दरमियान मुझे एक परियों की कहानी की किताब मिली। उसमें बहुत सारे स्पेल्स थे और कुछ ऐसे थे जो कि खास थे, तो मैंने उन्हें लॉक किया और एक जगह रख दिया।
फिर एक दिन एक शख्स लाइब्रेरी में आया और परियों की कहानी की किताब की दरख्वास्त करने लगा। मैंने उसे बताया कि हम आर्चीफ से किताबें नहीं दे सकते। वो मुझ पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसने मेरे काम की काफी तारीफ की कि कैसे मैं ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। मुझे तारीफ सुनने की आदत नहीं थी क्योंकि बाकी सब लोग मुझे डांटते थे, इसीलिए मैं उसकी बातों में आ गया और मैंने उसे वो किताब दे दी। वो आदमी उस किताब को पढ़ने लग गया और उन खास स्पेल से हैरतअंगेज होने लग गया। और फिर उसने मुझसे एक स्पेल करने की रिक्वेस्ट की। उसने कहा ये मेरे जैसे ताकतवर मैजिशियन के लिए आम सी बात है। बस फिर क्या होना था, मैं दोबारा उसकी बातों में आ गया। मुझे लगा कि वो आदमी अच्छा है, कुछ नहीं होगा। तो मैंने एक स्पेल पढ़ा जो कि बाकियों से बहुत आसान था और मैं बकरी बन गया। उसी लम्हे उस आदमी ने मुझे पकड़ा और डंजन में फेंक दिया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बेवकूफ था, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उस अंधेरे में कई दिन गुजारे और फिर लिक्स वहां आ गया। उसने मुझे देखा तो हैरान हो गया और मुझे वहां से निकालने के बाद उस स्पेल को खत्म करने में मेरी मदद की। उस वक्त मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ था कि मैंने विजिटिंग कॉलेज में क्लासेस क्यों नहीं अटेंड की थी। अगर मैं ध्यान लगाकर वहां पर पढ़ता और स्पेल्स को याद कर लेता तो मुझे इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। कम से कम इतना जान लेता कि मुश्किल में किसी को पैगाम कैसे पहुंचाना है। तो ग्रेजुएट होने के बाद मैं खुद यहाँ काम के लिए आ गया। मैं तो तुमसे बहुत इंस्पायर हो गई हूँ, मैं भी यही करना चाहती हूँ। देखना मैं अभी पढ़ने बैठ जाऊंगी। तुम क्या करोगी हेलेना? मैं सारे स्पेल्स याद करके एक्सपर्ट बन जाऊंगी। अच्छी सोच है, लेकिन तुम ये कर लोगी? अगर तो वो छोटी सी गोट ये कर सकती है तो मेरे लिए आसान होगा। हाँ क्या तुमने ये मुझे कहा ना? कोई बात नहीं, इधर आओ जरा, मैं तुम्हें बताता हूँ ये छोटी सी गोट और क्या क्या कर सकती है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इधर आओ, मेरा मजाक उड़ा रही थी ना तुम। क्या कह रही हो तुम भी हेलेना? आज हो क्या रहा है, कोई काम क्यों नहीं है? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? मैं यहाँ खेल खेल के थक गई हूँ। अरे देखो, हमें इसी का तो इंतजार था। हुर्रे! हेलेना क्या हो गया है तुम्हें? कोई मुश्किल में है और तुम्हें खुशी हो रही है? इसलिए क्योंकि हम उन्हें फौरन बचा लेंगे। तो चलो, फैंटेसी पेट्रोल आ रही है। हेलेना हमारे लिए रुको। तो देखिए, दिमागों को घुमा देने वाला मैजिक, सही बताने वाले को मिलेगा गिफ्ट। ऐसा मिक्स करूंगा कि 100 साल तक कोई नहीं बता सकेगा। एब्रा का जैब्रा, अच्छा ये नहीं, ये। काली नाइस में, बल्कि कहीं भी नहीं। और अब अपनी कीमती चीजें इसमें छुपाओ और फिर देखना, वो भी इस तरह जैसे शेर अपने शिकार को देखता है। वो रहा हमारा मुजरिम। किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं, फैंटेसी पेट्रोल अब आ गई है। पकड़ के तो दिखा। शुक्र बच गया। बहुत हो गया, हथियार फेंक दो। अब तुम्हारे भागने का कोई रास्ता नहीं। बैठकर बात नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता कैसा होगा। तुम लोगों ने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं। हालात का अंदाजा नहीं लगाया तुम लोगों ने और ना कोई मंसूबा बनाया और नुकसान पहुंचाया पब्लिक प्रॉपर्टी को। लोकेशन पे पहुंचने से पहले दरवाजा भी बंद कर नहीं आए। इसका मतलब यही है कि तुम लोगों ने अपना गार्जियन स्किल वैलिडेशन इम्तिहान पास नहीं किया। क्या कह रही है? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब इसका कसूर है। सब जानते हैं कि मुझसे ज्यादा तेज कोई भी नहीं है। मैं गार्जियन के ऑपरेटिंग के सारे तरीके जानता हूँ।
तुम्हें अभी कुछ नहीं मालूम पेट्रोल। जी बहुत बहुत शुक्रिया ट्रेंच फॉक्स। ओके गर्ल्स, तो मैं ये कह रही थी कि तुम लोगों ने असूलों को तोड़ा है। ऐसे असूलों की आखिर जरूरत ही क्यों है? क्या तुम लोगों को बताती चलूं, एक वक्त था मुझे भी ऐसा ही लगता था। ये तब की बात है जब मैं विजिटिंग कॉलेज में पढ़ती थी। अगर वो पढ़ाई कहलाती है तो मुझे रूल्स को फॉलो करना और टीचर्स की बात मानना बहुत ही बोरिंग लगता था। तो मैंने अपनी सीखने की रूटीन में कुछ मजा शामिल कर लिया। जिसने वाकई इस चीज का मजा लिया वो थे प्रोफेसर स्नोर स्लंबर ऑफ द सैंड। वो मेरा पसंदीदा टारगेट थे। मेरी ट्रिक्स पर उनका रिएक्शन बहुत ही मजे का होता था और वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते थे। वो हमेशा उन पर हंसते और फिर सो जाते। एक दिन प्रोफेसर हमारी क्लास को इंचेंटेड वुड ले गए। वहाँ पे रहने वाले फैंटास्टिक बीस्ट के साथ बातचीत करने के रूल सिखाने के लिए। लेकिन किसी की भी तवज्जो उन पर थी ही नहीं, क्योंकि मैंने एक जबरदस्त डायवर्जन तैयार कर रखा था। एक पार्टी इंचेंटेड वुड में, सब इसके लिए तैयार थे। हमें बस प्रोफेसर के सोने का इंतजार करना था। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मेरी पार्टी काफी कामयाब रही। हमने हंसा खेला काफी मौज मस्ती की। आखिरकार आजादी थी और सिर्फ एक ही रूल था कि कोई रूल नहीं है। पर जल्द ही हंसने के लिए कुछ नहीं रहा। वो एकदम से आ गए, कैंप फायर की रोशनी और गाने बजाने के शोर की वजह से। किसी को कुछ नहीं समझ आया कि क्या करें, और मुझे भी। मैंने अपने दोस्तों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मैजिक भी काम नहीं कर रहा था और ना ही कोई ट्रिक्स काम आई। यहाँ तक कि डायरेक्ट हमला भी नाकाम रहा। फिर मुझे एहसास हुआ कि इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैंने ईमानदारी के साथ अपने प्रोफेसर को सब कुछ बता दिया और उनसे मदद मांगी। वो मुस्कुराए और कहा कि अगर रूल्स समझ जाऊं तो उनकी मदद से मैं खुद सब संभाल सकती हूं। मैंने जो देखा उस पर यकीन नहीं कर सकी कि कितनी आसानी से उन्होंने फैंटास्टिक बीस्ट को संभाल लिया। हमने एक ही घंटे के अंदर पूरी क्लास को आजाद करवा लिया। मैंने खुद भी कुछ खास चीजें सीखी और ये भी अंदाजा लगाया कि रूल्स को फॉलो करना कितना जरूरी है। मैंने कॉलेज से विजिटिंग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में ग्रेजुएट किया और कॉलेज की हेड मिस्ट्रेस बन गई। तो इसलिए अब मैं अपना हर काम बहुत सोच समझ के करती हूँ और अपनी हर चीज संभाल के भी रखती हूँ मैं। मिस वेस्लीसा, अगर हम चाहें तो फिर से वैलिडेशन पास कर सकते हैं? हाँ, हम ये करना चाहते हैं, प्लीज। इस बार हम सब रूल फॉलो करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अभी से शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। तुम लोगों को हर एक रूल फॉलो करना होगा। सबसे पहले सूरत हाल का अंदाजा लगाओ। टारगेट आगे बढ़ रहा है, वो देखो वो रहा। प्लान क्या है स्नोई? हम यहीं रुकते हैं और देखते हैं कौन है। जबरदस्त, सब अपनी अपनी पोजीशंस लो। रुक जाओ यहीं पर, कहाँ जा रहे हो तुम? ये तो कैट है। क्या आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? अच्छा तो देखते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं आऊँ। देखो मैं कोई मसला नहीं चाहता, हम लोग आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। सही कहा, तुमसे बात कर सकते हैं। हम यहाँ पर, I'm sorry, मेरी बातों को सीरियस मत लीजिएगा, मजाक कर रहा था मैं। तो ये एक सबक है तुम लोगों के लिए कि रूल्स बहुत अहम होते हैं।